कल से ना एक न्यूज ना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि रॉकी मेट्स सलार, मीन्स रॉकी बाबा का सलार में एंट्री हम सबको देखने को मिलने वाला है, वो भी यूरोप वाला शेड्यूल में। इस बात में कितनी सच्चाई है, एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे यार प्रॉपर। मतलब मैं कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देने वाला हूँ, तो इसलिए भाई इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक देखना, क्योंकि सच में ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी तक जो भी बालक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बैक टू पॉइंट, आते हैं अपने सलार फिल्म पे। क्या सच में रॉकी बाबा सलार को ज्वाइन करने वाला यूरोप वाला शेड्यूल में? ये सब चीजों पर बात करने से पहले थोड़ा सलार का मैं अपडेट दे दूं। सलार का भी इटली वाला शेड्यूल खत्म हुआ है। डार्लिंग प्रभास भाई मस्त इटली वाला शेड्यूल कंप्लीट करके आया है। ये वाला शेड्यूल में काफी हम लोग को हाई ऑक्टेन वाले एक्शन सिक्वेंस शूट करे गए। और ये वाला शेड्यूल में पृथ्वीराज सुकुमारन भी गए हुए थे। पृथ्वीराज सुकुमार एज अ विलन है, वो भाई जगपति बाबू के बेटे के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और काफ़ी खूंखार विलन बने हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज सर का ना करियर का सबसे ये खूंखार रोल होने वाला। तो ये चीज़ों के लिए तुम एक्साइटमेंट बढ़ा लो। और ये न्यूज़ एकदम 110% कन्फर्म न्यूज़ है। ये न्यूज़ में कोई भी मतलब होता है ना रूमर नहीं है या फिर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। बट इसके अलावा अगर रॉकी बाबा की बात कर ले, क्या रॉकी बाबा यूरोप वाला शेड्यूल ज्वाइन करने वाला है सलार? क्योंकि अभी इटली का शेड्यूल कंप्लीट हुआ है, इसके कुछ दिन बाद यूरोप का शेड्यूल स्टार्ट होगा। और ये शेड्यूल ना लास्ट शेड्यूल है सलार का, तब उसके बाद ये फिल्म एडिटिंग टेबल पर चला जाएगा, फिर वहाँ वो लोग अपना तामझाम करेंगे उस फिल्म को लेकर। अब बात करते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है कि रॉकी बाबा यूरोप वाला शेड्यूल को ज्वाइन करने वाला है सलार का। तो यार देखो, अभी तक मैंने जितने लोगों से पता करा, किसी एक ने भी ये न्यूज़ को हरी झंडी नहीं दिया हुआ। सब बोल रहे हैं संजू ये जस्ट रूमर है, जस्ट ये फेक न्यूज़ है। अभी रॉकी बाबा को खुद नहीं पता है कि वो सलार का यूरोप वाला शेड्यूल ज्वाइन करने वाला है। बट ये तो बात 110% कन्फर्म है कि KGF यूनिवर्स बन रहा है, प्रसानिल सर का यूनिवर्स बन रहा है। और यूनिवर्स में हम सबको रॉकी बाबा भी देखने को मिलेगा, सलार भी देखने को मिलेगा, वगैरह भी देखने को मिलेगा, जूनियर NTR भी देखने को मिलेंगे, रामचरण सर भी देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े एक्टर लोगों से भाई अप्रोच कर रहे हैं प्रसाद ने और होमले फिल्म्स ने। ये सारे बड़े बड़े एक्टर ये यूनिवर्स में हम सबको देखने को मिलेंगे। बट अभी जो यूरोप वाला चीज़ें निकल के आ रही है, ये भाई उड़ती उड़ती चीज़ है। अब इस बात में मेरे को नहीं लगता कोई भी सच्चाई है। अगर सच्चाई हो गया फिर तो भाई बल्ले बल्ले वाला चीज़ है। बट जाते जाते मैं तुम लोग को एक न्यूज़ बता दूँ, सलार में ना रॉकी बाबा का ना कम चांस है देखने को मिलने का। सो तुम लोग यहाँ मूड खराब हो गया होगा आई नो, बट ये फिल्म में ना प्रशांत ने ना बहुत ही स्मार्टली तरीका से ना KGF का कुछ ऐसे चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, कुछ कनेक्शन ऐसे बनाने वाले हैं ताकि लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़े और ये परत ना धीरे 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 खुलेगा। अब भाई सलार का पहले पार्ट में ही अगर रॉकी बाबा आ जाएगा फिर तो एक तो भौकाल तो मचाएगा फिल्म, नो डाउट। बट एक होता है ना लोगों का ना थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, धीरे धीरे अगर परत खुलता है ना तो देखने में मज़ा आता है। अब दनादन सब चीज़ें भाई प्रसाद लेके फिल्म में दिखा देंगे फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई। ये प्रॉपर एक यूनिवर्स बनने वाली है, कुछ एक ऐसे कैरेक्टर होंगे KGF के जो हम सबको सलार में देखने को मिलेंगे, या फिर उनके कुछ रेफरेंस वाले डायलॉग्स हम सबको देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ भाई रेफरेंस तो भाई लिया जाएगा KGF से। ये बात में एकदम सच्चाई है, 110% सच्चाई है। बट रॉकी बाबा हम सबको क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगा, इस बात में मैंने जितना पता करा है सच्चाई नहीं दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई भी अपडेट निकल के आएगा मैं तुम लोगों को कंफर्म कर दूंगा। तब तक के लिए भाई ये फेक न्यूज से थोड़ा सा बचो तुम लोग, और तुम्हारा क्या कहना है यार इस पे, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, खासकर शेयर मारो यार, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अंदर में ये डाउट है कि रॉकी बाबा यूरोप वाला शेड्यूल को ज्वाइन करने वाला है। और काफी धुआंधार एक्शन सीक्वेंस हम सबको रॉकी बाबा और सलार के बीच में, मींस डार्लिंग प्रभास के बीच में देखने को मिलेगा। अपने दोस्त लोग में शेयर मारो जो भी लोग ये न्यूज़ को जानने के लिए इंटरेस्टेड है। बाकी चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।